Okay, so we'll start our next lecture on this second chapter under this second unit, which is numerical methods. So in first part, we have learned how to find the solution for a linear system using some numerical methods, Gauss elimination, Gauss Jordan, okay, Jacobi iteration, and so on. And second chapter, now we have to learn how to find the solution of a differential equation of the type a differential equation of the type dy by dx is equal to f of xy. Let me add one student. And in second chapter, now we have to learn how to find the solution of a differential equation of this type dy by dx is equal to f of x y. तो आपका टारगेट क्या है, आपको बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, how to find solution of this differential equation, correct? And with one initial condition, okay? तो सारे एग्जाम्पल का फॉर्मेट ये होगा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा एंड विद दैट ऑल्सो वी हैव गिवन वन इनिशियल कंडीशन, ओके? सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन. एंड इन लास्ट लेक्चर we have learned the first method to find the solution of ordinary differential equation of the type dy by dx is equal to f of xy. And now after doing a little bit modification, okay, you will get the one more method that is called as a modified Euler's method. Okay, so it is almost similar to Euler's method. Okay, इसमें जो 50% part है वो आप Euler's method से ही करने वाले. तो आज के lecture में शायद आपकी last जो method है Euler's method वो भी repeat हो जाएगी. And by doing some modification, okay, you will get the solution, okay, using the second method that is modified Euler's method. Okay, तो first part तो आज सबको clear होगा. इसमें आपको actually करना क्या है, आप ये जो differential equation है dy by dx is equal to f of xy with some initial condition, with one particular initial condition, okay, with this given things actually आप वो solution calculate कर रहे हो. बट डायरेक्टली आप यहाँ पे, ओके, इस मेथड में डायरेक्टली आपको लास्ट में y नहीं मिलता है ना. जैसे कि अगर मैं एक differential equation लेता हूँ लाइक से dy by dx है ना इज इक्वल टू से cos x है ना. ओके, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, टेल मी फंक्शन सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मींस व्हाट, लेट मी इरेज दिस. सो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ओके, तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है वो क्या आने वाला है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और फंक्शन कुछ डेरिवेटिव इट्स कॉस एक्स इट्स साइन एक्स फंक्शन. ओके, तो डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डायरेक्ट सोल्यूशन आपको क्या पता है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, जस्ट बाय बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ओके, डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करो, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आता है, दैट विल बी योर फाइनल सोल्यूशन. प्लस सी बस आप उसमें ऐड करते हो, दैट इज द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. ओके, तो ये जो आपका अप्रोच होता है, ओके, बाय दिस अप्रोच यू विल गेट द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द और द करस्पॉन्डिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. बट न्यूमेरिकल मेथड्स में जो आपका अप्रोच है, आप यहाँ पे डायरेक्टली वाई नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप वन बाय वन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करते जा रहे हो. मतलब आप क्या करने वाले हो, आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या है कि वाई एट एक्स नॉट की वैल्यू है, मतलब वाई आपका होता है गिवन फंक्शन. आप एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली वाई ने सोल्यूशन ही कैलकुलेट करने वाले हो. आप एक्चुअली इस मेथड से या इन तीनों मेथड से आप बेसिकली क्या करते हो, सोल्यूशन कैलकुलेट करते हो बट एट पर्टिकुलर पॉइंट. आपको ये पहले मेजर डिफरेंस समझ में आना चाहिए. अंडर दिस न्यूमेरिकल मेथड्स या इस तीनों मेथड में आप डायरेक्टली वाई नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, आप वाई एट पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, है ना. तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, वाई एट एक्स नॉट गिवन होता है, मतलब जो भी आपका फंक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक्स नॉट, ओके, इस क्वेश्चन में अगर मैं एक्स नॉट जीरो सेट करता हूँ, है ना, तो आपको क्या समझ में आएगा, वाई दिस इज एक्चुअली वाई इज इक्वल टू साइन एक्स मीन्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. तो आपकी इनिशियल कंडीशन क्या बन जाएगी, y एट x मींस 0 इज इक्वल टू साइन 0 पे क्या होता है 0. ओके, तो ये जो वैल्यू है दिस इज बिकम योर x नॉट एंड y की जो वैल्यू है दैट इज योर y नॉट, ठीक है ना. तो ये आपको गिवन होगा, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू cos x गिवन होगा और आपके पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. ये कैसे मिलता है अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया. ओके, तो यूजिंग दिस मेथड्स डायरेक्टली आप कहीं पे आपने
लास्ट मेथड से भी आपको समझ में आ रहा होगा कहीं पे जाके आपको लास्ट में साइन एक्स नहीं मिलने वाला। या आप अगर ये भी एग्जांपल ट्राई करते हो तो ये इस मेथड से भी या इस एग्जांपल से भी आपको समझ में आएगा बाय ऑयलर्स मेथड बाय मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड या बाय रंजकोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड किसी भी मेथड से लास्ट में आपको ये साइन एक्स नहीं मिलने वाला। ओके, आप बस क्या करते हो जो आपका सोल्यूशन है या जो आपका वाई है वो वाई आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो वो वैल्यू जो भी आती है दैट इज ऑल्सो द अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू। मतलब आप क्या करने वाले हो यहाँ पे आपने एक्स नॉट कैलकुलेट किया ना आप एक्चुअली क्या करने वाले हो यूजिंग दिस थ्री मेथड्स आप वाई एट एक्स वन कैलकुलेट करने वाले। ओके, वेयर व्हाट इज दिस एक्स वन, एक्स वन इज इक्वल टू एक्चुअली एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वन टाइम एच। ये आपको गिवन होता है कि क्या इंटरवल आपको कंसिडर करनी है। ओके, तो एच अगर मैं से पॉइंट वन लेता हूँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा एक्स नॉट इज जीरो सो आंसर इज पॉइंट वन। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा एक्स वन की वैल्यू इज पॉइंट वन। तो आपको क्या चाहिए वाई की वैल्यू चाहिए एट पॉइंट वन। स्टिल वी डोंट नो दैट फाइनल सोल्यूशन साइन एक्स जो आपका आंसर है वो आपको सोल्यूशन नहीं पता बट आपको यह पता है कि वाई एट एक्स वन क्या आने वाला है या वाई एट पॉइंट वन क्या आने वाला है। ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरी वन। ओके, इन तीनों मेथड से आई विल रिपीट वन मोर टाइम इन तीनों मेथड से आप डायरेक्टली साइन एक्स नहीं कैलकुलेट करने वाले। साइन एक्स इज एक्चुअली द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। आप एक्चुअली क्या करते हो आप वो सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट करते जा रहे हो। मतलब वाई एट एक्स नॉट गिवन होता है आप उसके बाद वाई एट एक्स वन कैलकुलेट करते हो आप उसके बाद वाई एट एक्स टू कैलकुलेट करते हो आप उसके बाद वाई एट एक्स थ्री कैलकुलेट करते हो एंड सो ऑन। ओके, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलता है दैट इज दिस सॉल्यूशन। ओके, यू विल गेट एक्चुअली द सॉल्यूशन बट एट पर्टिकुलर पॉइंट्स। मतलब वाई एट एक्स वन क्या आ रहा है वाई एट एक्स टू क्या आ रहा है वाई एट एक्स थ्री क्या आ रहा है एंड सो ऑन। ओके, एंड जस्ट फॉर नोटेशन पर्पज वी डिनोट दिस वाई एट एक्स वन बाय वाई वन वाई एट एक्स टू बाय वाई टू एंड वाई एट एक्स थ्री बाय वाई थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, यही बस चीज़ आप कैलकुलेट करते हो और जहाँ पे आपको लगता है कि स्टेबल हो रहा है ओके वी एज्यूम दैट नंबर एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो मॉडिफाइड ऑयलर में भी कहीं पे भी आपको ये सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेट करना है। ओके, सो आई विल टेक नेक्स्ट स्लाइड। सो जो आपका ऑयलर्स फार्मूला था जो लास्ट लेक्चर में हमने लिया था दैट फार्मूला इज वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इन टू एफ इन ब्रैकेट एक्स एन कॉमा वाई एन। तो आपने लास्ट एग्जांपल्स में भी देखा होगा मैंने एक्चुअली आपको एक रिजल्ट दिया था कि जहाँ पे आपको लगता है कि वाई आपका स्टेबल हो रहा है दैट विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। ओके, बट क्या होता है कि उसमें इतने सारे अप्रोक्सीमेशन आएंगे कि जनरली ऐसे कोई एग्जाम्पल या उस पैटर्न का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं आता डायरेक्टली। ओके, तो अभी क्या बस उतना ही फोकस करो कि फ्रॉम ऑयलर्स मेथड मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड आप बस क्या करने वाले हो वाई कैलकुलेट करने वाले हो बट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। तो एग्जाम में ये गिवन होगा कि वाई एट पॉइंट वन कैलकुलेट करो या तो ये गिवन होगा वाई एट पॉइंट टू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सो फ्रॉम दिस थ्री मेथड्स एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, द वैल्यू ऑफ वाई एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो दैट इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ भी डाउट्स आता मुझे इमीजिएटली स्टॉप करो। ओके, इसलिए तो गूगल मीट पे लेक्चर ले रहा हूँ अदर कोई इंटेंशन नहीं है। तो आपको अगर जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे वहीं पे स्टॉप करो। ठीक है, एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। ओके, मुझे आंसर आएगा नहीं आएगा दैट इज द लेटर पार्ट बट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द ऑयलर्स फॉर्मूला वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इन टू एफ ऑफ एफ इन ब्रैकेट एक्स एन कॉमा वाई एन। सो दिस एफ इज यूर दिस राइट साइड फंक्शन ये आपको यहाँ से मिलता है। ओके, एक्स नॉट वाई नॉट आपको गिवन ही रहते हैं। ओके, उससे आप एक्स एन कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज एक्स एन इज डिफाइन एज एक्स नॉट प्लस एन एच। तो इस रिजल्ट से आपको एक्स वन मिल जाएगा इस रिजल्ट से आपको एक्स टू मिल जाएगा एंड सो ऑन है ना। एंड दिस वाई एन एक्चुअली द वाई एट एक्स एन है ना। तो वाई एन क्या होता है वाई एन प्लस वन क्या होता है ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑयलर्स मेथड से या जो लास्ट मेथड थी लास्ट के लेक्चर में जो पार्ट हमने कवर किया था वहाँ पे एक्चुअली आपने क्या कैलकुलेशन किए थे आपको समझ में आ जाएगा जब आप वो रीड करते हो एक बार। आपने एक्चुअली प्रीवियस मेथड्स में क्या कैलकुलेट किया था वाई एट एक्स वन कैलकुलेट किया था दैट इज योर वाई वन। ठीक है, बट वाई वन इज नॉट द सोल्यूशन वाई वन इज वॉट दी वाई और द सोल्यूशन एट पॉइंट एक्स वन। y1 एक्चुअली आपका फाइनल सॉल्यूशन है y1 बेसिकली क्या होता है जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है ओके वो सॉल्यूशन एट x1 होता है y इज एक्चुअली योर फाइनल सॉल्यूशन सो दैट सो वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन एट पॉइंट x1 आई कैन से लाइक दिस। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है सॉल्यूशन कैलकुलेट करना इज द डिफरेंट पार्ट एंड सॉल्यूशन की वैल्यू एट सम पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट करना दैट इज द अनदर पार्ट एंड वो आप एक्चुअली इन तीनों मेथड्स में करने वाले हो। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ओके, क्योंकि टाइटल हमने इसे दिया कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले। ओके,
एट देन हम वही करते हैं, क्योंकि अगर आपने सारे पॉइंट्स के लिए वाई कैलकुलेट किया दैट इज एक्चुअली योर सॉल्यूशन, तो उससे सारे सारी चीज़ें कवर हो जाती है ना। ओके सो ऑयलर्स मेथड से आप वाई वन कैलकुलेट करते हो दैट इज वाई एट एक्स वन कैलकुलेट करते हो, आप वाई टू कैलकुलेट करते हो दैट इज वाई एट एक्स टू कैलकुलेट करते हो एंड सो ठीक है। और आपको बस एग्जाम में देखना पड़ता है कि आपको कौन से पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है। तो अगर एग्जाम में गिवन है कि वाई एट पॉइंट थ्री कैलकुलेट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं मुझे एक्स थ्री तक जाना होगा तब जाके मुझे पॉइंट थ्री मिल जाएगा ठीक है। या आज के लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा ठीक है। सो इट डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन कि आपको कितने नंबर ऑफ कैलकुलेशन करने हैं, मतलब आपको वाई थ्री तक कैलकुलेशन करना है कि वाई टू तक कैलकुलेशन करना है कि वाई वन तक कैलकुलेशन करना है, इट डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन कैसे वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको चाहिए तो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में दिया कि यू टू टेक वाई एच इज इक्वल टू पॉइंट वन एंड आपको कैलकुलेशन करने ओके यानी यूर एक्स नॉट इज पहले लास्ट मेथड एटलीस्ट ओवरली तो आपकी क्लियर होनी चाहिए एंड यूर एक्स नॉट इज से जीरो एंड यूर वाई नॉट इज वन ओके। और मेरा क्वेश्चन क्या है, माई क्वेश्चन इज वॉट कैलकुलेट करो, जनरली ऐसे एग्जाम्पल आपको आता है कैलकुलेट वाई एट पॉइंट थ्री, ये आपका एग्जाम्पल है ठीक है। तो आपको क्या गिवन है एक्स नॉट इज जीरो वाई नॉट इज वन ओके। तो आपको बस ये ब्रैकेट की वैल्यू एक्चुअली एक्स की वैल्यू होती है ना, तो आपको फर्स्ट वैल्यू इज यूर एक्स नॉट है ना विच इज जीरो। नाउ कैलकुलेट नेक्स्ट वैल्यू, सो नेक्स्ट वैल्यू इज एक्स वन, वो क्या आने वाली है एक्स वन का फॉर्मूला क्या है एक्स नॉट प्लस वन टाइम्स एच, तो एक्स नॉट प्लस वन टाइम्स एच ओके। सो एक्स नॉट इज जीरो, सो जीरो प्लस एच इज पॉइंट वन, सो यू विल गेट पॉइंट वन, सो दैट इज पॉइंट वन ठीक है ना। तो एक्स वन की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट वन, एक्स टू की वैल्यू क्या है अभी मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ, एक्स टू की वैल्यू क्या है एक्स टू इज वॉट एक्स नॉट प्लस टू टाइम्स एच है ना, एक्स नॉट तो जीरो ही है, टू टाइम्स एच मतलब टू टाइम्स पॉइंट टू दैट इज जीरो पॉइंट टू ओके। एंड एक्स थ्री अगर आपने कैलकुलेट किया तो एक्स थ्री आपका क्या आता है थ्री टाइम्स एच विच इज पॉइंट थ्री ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आता है कि वाई एट पॉइंट थ्री कैलकुलेट करो, बट वाई एट पॉइंट थ्री आपको कौन से स्टेज पे मिलता है एक्स थ्री के स्टेज पे मिलता है ठीक है। तो बेसिकली आपको कहाँ तक कैलकुलेशन करना होगा अप टू वाई थ्री, तो ये आपने लास्ट मेथड में ऐसे आपने डिसीजन लिए थे है ना। तो वाई वन भी कैलकुलेट करो, वाई टू भी कैलकुलेट करो, वाई थ्री कैलकुलेट करो, तब जाके आपको वो वाई एट जीरो पॉइंट थ्री मिल जाएगा ठीक है। या इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, वाई एट पॉइंट थ्री कैलकुलेट करो रफली आई कैन से दैट वाई थ्री कैलकुलेट करो ठीक है। सो रफली आई कैन से दैट वाई थ्री कैलकुलेट करो। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरी वन, इफ इट इज नॉट क्लियर ओके आप अभी मुझे इमीडिएटली भी बोल सकते हो सो दैट आई कैन रिवाइज दैट पार्ट ओके। या अभी आपको आज के लेक्चर से भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही पार्ट शायद मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ ओके। सो दैट इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ऑयलर्स मेथड, यू विल गेट एक्चुअली द वैल्यूज ऑफ वाई एट एक्स वन, वैल्यूज ऑफ वाई एट एक्स टू, वैल्यूज ऑफ वाई एट एक्स थ्री एंड सो ऑन। तो ये आपने अभी कैलकुलेशन किए थे, दैट इज ऑल अबाउट यूर प्रीवियस लेक्चर ओके। मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड का एक्चुअली मेन आउटकम क्या है ओके। तो अभी आप देखोगे अभी इमीजिएटली मैं अपडेशन करने वाला हूँ ठीक है। तो मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में आप ये जो वाई वन वाई टू वाई थ्री जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है और आई कैन से जस्ट मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन ओके, दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। सो मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में एक्चुअली आपको वाई वन वाई टू वाई थ्री का कैलकुलेशन तो करने ही है, बट उसके साथ वाई वन को आपको और अपडेट करना है या और मॉडिफाई करना है यूजिंग द मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज डिफरेंट है ना। वाई वन एक्चुअली आपने इससे कैलकुलेट किया था, अभी मैं वाई वन को सेपरेट उस वाई वन को अच्छे तरीके से या To get it more accurate, एक और फॉर्मूला में डिफाइन करने वाला हूँ, दैट इज नथिंग बट द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड ओके। वो फॉर्मूला आपका ही है ओके। सो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर वाई वन है ना, हाउ यू फाइंड द मोर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई वन यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। सो अवर फॉर्मूला इज लाइक दिस वाई वन, लेट मी एड क्विकली, सो वाई वन रेस टू एन, दिस इज द nth iteration. सो रिमेंबर पावर में जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, दैट इज द इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन है ना, जीरो इटरेशन, इफ आई पुट एन इक्वल टू वन दैट इज द फर्स्ट इटरेशन, इफ आई पुट एन इक्वल टू टू दैट इज योर सेकंड इटरेशन एंड सो ऑन। सो द nth iteration, तो आपको समझ में आ रहा है कि वाई वन आपको यूजिंग दिस मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड आपको वाई वन की वैल्यू एट जीरो इटरेशन कैलकुलेट करनी, वाई वन की वैल्यू एट फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करनी, वाई वन की वैल्यू एट सेकंड इटरेशन कैलकुलेट करनी एंड सो ऑन लाइक दिस है ना। सो फॉर्मूला इज लाइक दिस, वाई वन रेस टू एन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ इन ब्रैकेट एक्स नॉट
y naught plus f in bracket x1 y1 raise to n minus 1 and provided in इस calculation या इस formula में n आपको consider करना है from 1 है ना, so n value from 1 to infinity. इसके आगे आप ले सकते हो. अगर मुझे n इक्वल टू जीरो से सेट करना होगा ना, तो मुझे यहाँ पे n प्लस वन लेना होगा और यहाँ पे n लेना होगा. सो वो भी चेंज आपको मैं करके दे सकता हूँ, बट किसी भी वे से आप याद रखो. सो हियर n वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सिमिलर में बस क्या करना है, अगर मुझे y2 के लिए फॉर्मूला चाहिए तो इससे आप लिख सकते हो. कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, सेकंड आपको ऑटोमेटिक समझ में आता है. तो y1 की जगह पे अभी y2 चाहिए तो y2, y1 यहाँ पे आता तो यहाँ पे आता y0, तो y2 के टाइम पे यहाँ पे प्रीवियस नंबर क्या आएगा y1. ओके, यहाँ पे x नॉट y1, इसके आगे यहाँ पे आने वाला x1 y1, यहाँ पे x1 y1, तो इसके आगे आने वाला यहाँ पे x2 y2, less to n minus 1 n as it is. ओके, सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द मोर एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y2, दैट इज नथिंग बट द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड. अगर आपको y3 अच्छे से कैलकुलेट करना है, सो बाय मॉडिफाइड ऑयलर मेथड दिस y3 इज डिफाइन एज y2 plus h by 2 इन ब्रैकेट f f ऑफ x2 comma y2 plus f ऑफ x3 comma y3. ठीक है, तो अभी फॉर्मूला आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस पावर एंड ऑल. ओके, अभी इस स्लाइड से आपको बस इतना याद रखना है कि ऑयलर्स मेथड से या ऑयलर्स फॉर्मूले से आपने y1 y2 y3 yn कैलकुलेट किए थे. ठीक है, बट मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड से वही सेम y1 आपको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है, और आई कैन से द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y1 आपको कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला. अगर आपको y2 कैलकुलेट करना है सो यू हैव टू यूज दिस सेकंड फॉर्मूला, एंड अगर आपको y3 कैलकुलेट करना है तो आपको ये थर्ड फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. हार्डली आपको y1 एंड y2 तक ही आता है ये कैलकुलेशन, तो जस्ट वही मैंने फॉर्मूले यहाँ पे कंसिडर किए. ओके, तो अभी इसमें डिफिकल्टी आपको क्या आएगी, अगर आप किसी भी तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में देखो, मैंने आपको बोला था कि n इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट करो. ओके, अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करने की जीरो स्टार्ट करना है, बिकॉज आई डोंट वांट नेगेटिव नंबर ऑन पावर, है ना. ये जस्ट n माइनस 1 की वजह से आई कैनॉट टेक n इक्वल टू 0, बिकॉज उस केस में पावर मेरी माइनस 1 आ जाएगी. तो वो फॉर्मूला आप कैसे भी स्विच करो, मैं अगर इसके जगह पे n प्लस 1 रखता हूँ या पे n रखता हूँ, देन यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ, सो अगर मैं n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखता हूँ, तो एक केस ऐसी आ जाएगी जहाँ पे पावर में जीरो आने वाला है ना. तो यहाँ पे आप देखो y1 रेस टू 0 आ जाएगा अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी y1 y2 रेस टू 0 आने वाला है, और यहाँ पे भी y3 रेस टू 0 आने वाला है. बाकी सारे वैल्यूज आपको समझ में आ जाएंगे. ओके, बट y1 0 y2 0 y3 0 ये कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो वो जो वैल्यूज है आपके y1 रेस टू 0 y2 रेस टू 0 सो दिस y1 रेस टू 0 y2 रेस टू 0 y3 रेस टू 0 है ना, ये जो आपके वैल्यूज है ये एक्चुअली आपके क्या है, रेस टू 0 मतलब 0 इटरेशन को जो वैल्यूज है, दिस आर एक्चुअली द वैल्यूज दैट यू विल गेट इट फ्रॉम ऑयलर्स मेथड या ऑयलर्स फॉर्मूला. ठीक है, आई डोंट वांट टू मेक दिस एज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. ओके, आपको मैंने इनिशियली क्या बोला कि y1 y2 y3 ये जो कैलकुलेशन था ये आपने ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था. अभी मैं आपको y1 का एक और करेक्ट फॉर्मूला देना दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला. y2 का एक और करेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, y3 का एक और करेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ. हार्डली आपको फर्स्ट और सेकंड ही आता है, ये जो y1 का एक तो आता है कैलकुलेशन या y2 का आता है. कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे जहाँ पे y3 का आ जाएगा, या कोई भी आने दो, इट डजेंट मैटर. ओके, बट इसमें एक और प्रॉब्लम मुझे क्या समझ में आ रही है, इफ आई पुट n इक्वल टू 1 ओके एट सम स्टेज, और यू विल सी यर y1 रेस टू 0 y2 रेस टू 0 एंड y3 रेस टू 0. ओके, तो वो जो इनिशियल वैल्यूज है y1 रेस टू 0 y2 रेस टू 0 y3 रेस टू 0, दीज आर एक्चुअली द वैल्यूज दैट यू विल गेट इट फ्रॉम यू विल गेट फ्रॉम ऑयलर्स मेथड. ओके, मतलब ये जो y1 0 एक्चुअली क्या होता है, y1 दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला, नॉट फ्रॉम मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला. y2 रेस टू 0 क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y2 विच यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला, एंड y3 रेस टू 0 क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y3 दैट यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. ठीक है, स्टिल आई डोंट थिंक सो कि सबको इतने जल्दी क्लियर हो जाएगा, सो आई विल टेक वन एग्जाम्पल ऑन दिस. अगर इसमें कुछ डाउट्स आते हैं तो आप इमीडिएटली मुझे स्टॉप करो. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, यूज द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, फाइंड एंड डिफाइन द वैल्यू ऑफ वाई विच सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू अस, डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, एंड ऑल्सो वी हैव गिवन वन इनिशियल कंडीशन, वाई एट वन इज इक्वल टू टू. जनरली क्या गिवन होता है इनिशियल कंडीशन, मीन्स वाई एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई वन इज गिवन, सॉरी वाई नॉट इज गिवन, है ना. एंड क्वेश्चन क्या था कि आपको वाई कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड दिस वाई एट 1.2. तो अभी इमीडिएटली आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 1.2 कैलकुलेट करना है मतलब y1 कैलकुलेट करना है कि y2 कैलकुलेट करना है कि y3 कैलकुलेट करना है कि y4 कैलकुलेट करना है, दैट यू हैव टू फाइंड इनिशियल. 1.2 का मतलब क्या है कि y1 है
या वाई टू है या वाई थ्री या वाई फोर है। सिमिलरली आपको 1.4 भी कैलकुलेट करना है। ओके सेम क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, 1.4 कैलकुलेट करना है मतलब वाई वन करना है कि वाई टू करना है कि वाई थ्री करना है कि वाई फोर करना है, तो आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना है। ओके तो वो सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जस्ट फ्रॉम दिस एच। ये सेम हमने ऑयलर्स में भी किया था, है ना, कि जनरली सारे एग्जाम्पल में पैटर्न यही होगा कि वाई कैलकुलेट करो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको वाई कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1.2। क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैलकुलेट वाई एट 1.2 एंड कैलकुलेट वाई एट 1.4। ओके बट मुझे बस ये देखना है कि वाई एट 1.2 बेसिकली कौन सा वाई एन होता है एंड वाई एट 1.4 बेसिकली कौन सा वाई एन होता है, ठीक है। तो वो कैसे देखना है, दैट इज दैट यू विल गेट इट फ्रॉम एच पॉइंट। तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ओके सो सिंस एक्स नॉट इज 1 वाई नॉट इज 2। ओके तो एक्स एन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। वन बाय वन कैलकुलेट करते जाओ और देखो कहाँ पे आपको कौन से स्टेज पे आपको 1.2 मिलता है। ओके ये आपको कब तक कैलकुलेट करना है, अंटिल एंड अनलेस यू विल गेट 1.2 एंड अंटिल एंड अनलेस यू विल गेट 1.4, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा कैलकुलेशन करना है। ओके सो इफ आई पुट एन इक्वल टू 1 यू विल गेट एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 1h बट h इज 0.2 सो यू विल गेट एक्स 1 एज 1.2। ओके सो ये जो 1.2 था ये बेसिकली था एक्स 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, y एट 1.2 कैलकुलेट करना है मतलब y एट एक्स 1 कैलकुलेट करना है मतलब y 1 कैलकुलेट करना है, हो गया। ओके नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 2, x नॉट इज 2h दैट इज x2 इज इक्वल टू 1 प्लस x नॉट बिकॉज़ दिस इज x नॉट इज गिवन इन द एग्जांपल 2 into 0.2 that become 1.4. Okay, so 1.4 का मतलब क्या होता है, we have to calculate y at x2 and y at x2 या y at 1.4 is actually y2, ठीक है। So जिस value के लिए calculate करना है from that it is very much clear that from this example, so from this example you have to find actually y1 and y2। okay to abhi aapko yahan se clearly samajh mein aa raha hai ki ye jo 1.2 ye basically x1 tha matlab aapko y1 calculate karna hai, 1.4 basically x2 tha matlab aapko y2 calculate karna hai but using the modified Euler's method। agar yahan pe bas main ye word hata deta hu modified ka aur Euler likhta hu to aapko ye y1 y2 calculate karna hai from the Euler's method, itna simple hai na, and already wo part aap Euler method se karne wale ho मतलब ये y1 y2 आपको पहले ऑयलर मेथड से कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वो एक बार रिपीट होगी और उसके साथ आपको मॉडिफाइड भी यूज करना है। सो मॉडिफाइड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट, तो इसलिए मैं केसेस कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस विच इज y1, है ना। तो मैंने आपको इनिशियली क्या बोला कि पहले आप क्या करो y1 इनिशियली y1 y2 कोई भी एग्जाम्पल आने दो, कोई भी वैल्यू आने दो, इनिशियली आपको फाइंड दैट वैल्यू फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला। ओके क्योंकि उसके बाद ही आप उसको अप्रोक्सीमेट करने वाले। आई होप विल गेट इट फ्रॉम दैट प्रीवियस स्लाइड, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले आपको ऑयलर से वैल्यू मिलते हैं y1 y2 y3 फिर उसको ही आप अपडेट करते हो, उसको ही आप मोर एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करते हो यूजिंग मॉडिफाइड मेथड। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट आई विल कैलकुलेट दिस y1 बट बाय यूजिंग ऑयलर्स फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला आपको पता है yn plus 1 is equal to yn plus h in bracket f of xn comma yn। ओके मुझे चाहिए y1 सो आई जस्ट नीड टू पुट n इज इक्वल टू 0। तो इफ आई पुट n इक्वल टू 0 हियर from in that Euler's formula you will get y1 equal to y0 plus h of f of x0 comma y0, ठीक है। तो आपके पास x0 भी गिवन है, आपके पास y0 भी गिवन है, आपके पास f फंक्शन भी गिवन है ना। तो यस x0 इज 1 y0 इज 2 एंड जो आपका f फंक्शन विच इज लॉग ऑफ x प्लस y, तो f ऑफ x0 y0 मिल जाएगा विच इज लॉग ऑफ 1 प्लस 2 एंड दैट वैल्यू इज 1.0986। ये कैसे लिया मैंने लॉग ऑफ 1 प्लस 2, दैट इज द गिवन एग्जांपल। क्वेश्चन में क्या गिवन था, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ये जो राइट साइड में जो आता है दैट इज योर फंक्शन। आपको एफ ऑफ x0 y0 कैलकुलेट करना है मतलब लॉग ऑफ x0 प्लस y0, x0 इज 1 y0 इज 2 दैट वैल्यू इज 1.0986। ओके सो फ्रॉम दिस ऑयलर्स मेथड ओके हाँ सॉरी दिस इज जस्ट एफ फंक्शन, सॉरी दिस जस्ट एफ फंक्शन, सो जस्ट पुट दिस वैल्यूज हियर यू विल गेट y1 इज इक्वल टू y0 दैट इज 2.2 मल्टीप्लाई बाय 1.0986 एंड इफ आई कैलकुलेट दिस y1 की वैल्यू आपकी क्या आती है 2.2197। बट आपको मैंने क्या बोला था ऑयलर्स फॉर्मूले से जो आप फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ओके दैट इज योर जीरो इटरेशन, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्टली किससे डिनोट किया y1 रेस टू 0। हमेशा याद रखो या सिंपल करता हूँ इस सबको,
ऑयलर्स मेथड से जो आपको वाई वन मिलने वाला है, मॉडिफाइड में उसको आपको बस नाम देना है वाई वन रेस टू जीरो। ऑयलर फॉर्मूले से जो आपको वाई टू मिलता है, मॉडिफाइड में जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपको उसको लिखना है वाई टू रेस टू जीरो, इतना ही है। नाउ वी आर रेडी टू यूज द मॉडिफाइड ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर वाई वन। तो वो फॉर्मूला क्या था, वाई वन रेस टू, हाँ यहाँ पे शायद मैंने वो चेंज करके लिया। ओके, वाई वन रेस टू एन प्लस वन, ये एन प्लस वन लिया तो इस केस में आप एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, एन लेता हूँ तो एन इक्वल टू वन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई विल करेक्ट दैट पार्ट इन दैट प्रीवियस स्लाइड बिकॉज दिस दिस इज मच बेटर। तो ये आपका फॉर्मूला है, तो ये कहाँ से आ रहा है मैंने आपको इनिशियल एक्सप्लेन किया, दिस इज द मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला। ओके, सो डोंट गो इनटू दैट कि ये कैसे जनरेट हो रहा है एंड ऑल। ओके, वो प्रूफ भी इतना उसका प्रूफ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सो वाई वन रेस टू एन प्लस वन, सो बाय द मॉडिफाइड ऑयलर्स फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ वाई वन रेस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू अंडर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन रेस टू एन। वन बाय वन अभी कैलकुलेट करते जाओ, है ना, पहला इटरेशन होता है एन इक्वल टू जीरो पे, तो एन इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पुट एन इक्वल टू जीरो विल गेट वाई वन रेस टू वन वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ इन ब्रैकेट एक्स वन कॉमा वाई वन रेस टू जीरो। अभी देखो वन बाय वन सारी चीज़ आपके पास है कि नहीं, वाई नॉट है क्या है, दैट इज गिवन इन द एग्जाम्पल विच इज टू। ओके, ये चीज आपको पता ही है विच इज जीरो पॉइंट आई थिंक वन या टू था। ओके, हाँ जीरो पॉइंट टू, करेंट जीरो पॉइंट टू था। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट आपने कैलकुलेट किया है, दैट वैल्यू इज 1.0986। अभी आपको बस यही कैलकुलेट करना है कि एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन रेस टू जीरो। ओके, एक्स वन आपको पता है एक्स वन क्या होता है, अपने प्रीवियस स्लाइड में एक्स वन भी कैलकुलेट करके रखा था और एक्स टू भी कैलकुलेट करके रखा है ना। एक्स वन इज एक्चुअली एक्स नॉट प्लस वन टाइम्स एच, है ना, सो दैट एक्स वन इज पॉइंट टू। ओके सॉरी, एक्स नॉट इज जीरो एंड वन पॉइंट एच इज ओके, हाँ करेक्ट इट इज वन पॉइंट टू। ओके ओके सॉरी, एक्स नॉट इज वन, सो आई थिंक कैलकुलेशन इज करेक्ट। सो एक्स नॉट इज वन, सो वन प्लस दिस यू विल गेट वन पॉइंट टू। सो एक्स वन, हाँ सो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन रेस टू जीरो, सो दैट वैल्यू इज लॉग ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन रेस टू जीरो। एक्स वन आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, ठीक है, ये प्रीवियस स्लाइड में, सो आई विल स्किप दैट पार्ट। एंड वाई वन रेस टू जीरो, वाई वन रेस टू जीरो ये जो वैल्यू हमेशा आती है ना, रेस टू जीरो की जो वैल्यू दैट यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला, तो वो हमने कैलकुलेट करके रखी थी विच इज 2.2197। ठीक है, सो ये भी वैल्यू आपके पास है। अब ये सारे वैल्यू इसमें पुट करो, यू विल गेट द वाई वन रेस टू वन। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। ओके, विल कंटिन्यू दिस, पुट एन इक्वल टू, अगेन कंसिडर मॉडिफाइड ऑयलर मेथड एंड पुट एन इक्वल टू वन। ओके, आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ ये कब तक रिपीट करना है। सो पुट एन इक्वल टू वन, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा वाई वन रेस टू टू, वाई नॉट एज इट इज, एच बाई टू एज इट इज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, चेंज होने वाला है यहाँ पे होंगे एक्स वन, यहाँ पे आने वाला है वाई वन रेस टू वन। ओके, अभी आपको वाई नॉट प्रीवियस स्लाइड में एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू प्रीवियस स्लाइड में, आपको बस कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन, तो उसका आंसर क्या है, लॉग ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन। तो ये जो एक्स वन था ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है विच इज 1.2, ये जो वाई वन रेस टू वन है अभी ये आपको लेना है यहाँ से, ओके 2.2328, तो ये आपने यहाँ से कॉपी किया, यू विल गेट वन मोर वैल्यू, फिर से वो सारा कैलकुलेशन करो। ओके, यू विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू एज 2.2332। ओके, अगेन यूज द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड मेथड, अगेन पुट एन इक्वल टू टू, गो टू नेक्स्ट वैल्यू, यू विल गेट वाई नॉट प्लस एच बाय टू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ इन ब्रैकेट एक्स वन कॉमा वाई वन रेस टू टू। हाँ, यहाँ पे भी ये सारे वैल्यूज है, आपको बस ये कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स वन तो आपके पास था, वाई वन रेस टू टू ये आपको यहाँ से लेना है ना, और फिर ये कैलकुलेशन करो सारा पूरा कंप्लीट करो, यू विल गेट द अनदर वैल्यू ऑफ वाई टू विद दिस। अभी यहाँ पे मैं स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अगर मैं वाई वन रेस टू थ्री को देखता हूँ या वाई वन रेस टू टू को देखता हूँ, ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं, मीन्स द वैल्यू ऑफ वाई वन इज नाउ स्टेबल, सो द वैल्यू ऑफ वाई वन इज नाउ स्टेबल, सो दिस इज द मोर करेक्ट वैल्यू ऑफ वाई वन दैट यू विल गेट इट फ्रॉम मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। ओके, आपको जो वाई वन जो मिल रहा है ओके ऑयलर्स मेथड से, ये उससे भी करेक्ट एक्चुअली आपको आंसर देता है, सो दिस इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू ओके फ्रॉम दी मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। तो अभी ये रिपीट हो रहा है 2.2332 2.2332, नाउ यू कैन फाइनलाइज आवर वाई वन विच इज 2.32 2332। ठीक है, सो दिस बिकम योर फाइनल आंसर।
तो ये आपको तब तक रिपीट करना है जब तक ये लास्ट के दो वैल्यूज आपके इक्वल नहीं आ रही, तब तक ये आपने ऑलरेडी कुछ मेथड में किया था. ओके सो दैट इज ऑल अबाउट. सो वही मैंने दिया, सिंस वाई वन रेस टू टू एंड वाई वन रेस टू थ्री आर नाउ सेम, सो वी कैन फिक्स दिस वैल्यू एंड दैट फाइनल वैल्यू दैट इज 2.2332 इज द फाइनल आंसर ऑफ वाई वन फ्रॉम द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड. वाई वन आपने कैलकुलेट किया, इसका मतलब आपने वाई एट एक्स वन कैलकुलेट किया, इसका मतलब आपने वाई एट पॉइंट 1.2 कैलकुलेट किया. सो रिमेंबर ये जो कैलकुलेशन आ रही है बेसिकली इससे लिंक कर रहे हैं. नाउ गो टू नेक्स्ट केस वाई टू. ओके वाई टू आपको इनिशियली स्टार्टिंग में आपको ऑयलर्स का यूज करना है. सो इनिशियली कैलकुलेट दिस वाई टू फ्रॉम ऑयलर्स मेथड. अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो एक और बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर दी अनादर केस, है ना. एक क्वेश्चन का क्वेश्चन में दो वैल्यूज कंबाइन थे, एक था कि 1.2 के लिए कैलकुलेट करो और एक था कि 1.4 के लिए कैलकुलेट करो. 1.4 के लिए कैलकुलेट करना है मतलब y2 कैलकुलेट करना है. तो पहले आप वो y2 ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट करो. तो जस्ट पुट n इज इक्वल टू 1 हियर, यू विल गेट y2 इक्वल टू y1 प्लस h f ऑफ x1 कॉमा y1. यहाँ पे जो आपको y1 पुट करना है, ओके दैट y1 यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम दिस, क्योंकि ये आपने अभी फिक्स किया है. एक ही एग्जांपल में अगर ये चीज आती है ओके, तो यहाँ पे ऑयलर्स मेथड का कंसीडर मत करो, कंसीडर जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस कैलकुलेट किया था वो, दैट इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y1. सो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे y1 आपको ऑयलर से कॉपी करना है. नो, यू हैव टू कॉपी दिस y1 फ्रॉम द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, क्योंकि आप सेपरेट ऑयलर से बस ये आप ऑयलर का यूज इसलिए करते हो, ऑयलर का यूज आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको बस ये फर्स्ट वैल्यू चाहिए yn रेस टू 0 जस्ट टू स्टार्ट दैट अप्रोक्सीमेशन. ओके उसके लिए आपको ये ऑयलर्स फॉर्मूला चाहिए. इसलिए यहाँ पे जो y1 था, डोंट कंसिडर दिस y1 फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला, कंसिडर इट फ्रॉम मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि आप इसमें 100% मिस्टेक करोगे. ओके एंड नाउ इफ आई एड दिस टू थिंग्स यू विल गेट 1.2335 सो द वैल्यू ऑफ y2 फ्रॉम दिस ऑयलर फॉर्मूला इज 2.4799 एंड नाउ जस्ट फॉर नोटेशन पर्पज आई डिनोट दिस वैल्यू एज y2 रेस टू 0, क्योंकि आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ तो वैल्यू चाहिए और स्टार्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेशन को स्टार्ट करने के लिए जो वैल्यू आप लेते हो दैट वैल्यू एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. ओके नाउ वी आर रेडी टू यूज द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ y2 रेस टू 0 व्हिच इज 2.4799. हाँ बोलो बोलो. हाँ y1 केस वरून मग घेतले. हाँ हाँ तरी चालू. हाँ अगर क्वेश्चन में, हाँ दैट इज करेक्ट, अगर क्वेश्चन में केस वन है ही नहीं, है ना. क्वेश्चन क्या था इसका कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि y एट 1.4 कैलकुलेशन करने और आपको y2 से स्टार्ट करना है, सो इन दैट केस आइदर दे हैव टू मेंशन दैट y1, अदरवाइज यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू टेक दिस y1 दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. ओके बट जनरली ये मेंशन होता है, डोंट वरी. ठीक है तो ये चीज़ें मेंशन होती है कि y1 क्या लेना है और y2 क्या लेना है. ओके क्योंकि एक तो हाँ अगर आप बट एट द एंड आपको मॉडिफाइड का यूज करें क्योंकि दिस इज दी मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y1, बट अगर मेंशन नहीं होता तो इन दैट केस अगर कहीं पे एग्जांपल में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा एक एग्जांपल नेक्स्ट में लेने वाला हूँ तो शायद उससे और भी क्लियर हो जाएगा. बट इफ इट इज नॉट गिवन, कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं गिवन है, तो उसी केस में आप वर्स्ट केस यू गो बाय दिस ऑयलर्स फॉर्मूला. ओके सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ऐसे भी चांसेस ज्यादा है आपको. ओके सो वाई वन वाई टू आपने कैलकुलेट किया फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला एंड नाउ बाई द मॉडिफाइड ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर दिस वाई टू चेंजेस हो रहे हैं इसमें. वाई टू इक्वल टू क्या है, वाई वन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू रेस टू एन. सो पुट एन इक्वल टू जीरो, अभी इटरेशन हमें स्टार्ट कर रहे हैं. सो पुट एन इक्वल टू जीरो विल गेट वाई टू रेस टू वन वाई वन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू रेस टू जीरो. एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन आपने अभी कैलकुलेट किया था लास्ट स्लाइड में. ओके y1 वन भी आपने लास्ट लाइट में कैलकुलेट करके रखा है. ओके आपको बस ये थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ एक्स टू कमा वाई टू रेस टू जीरो. तो उसमें भी आपके पास x2 है विच इज 1.4 फर्स्ट स्लाइड में था. ओके वाई टू रेस टू जीरो अभी आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. इन दोनों की एडिशन आ जाएगी 1.355 है. इसमें पुट करो, यू विल गेट यूर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एज 2.4921. ओके फिर से गो टू नेक्स्ट स्टेप, पुट एन इक्वल टू वन. यस रिपीट ये, पुट एन इक्वल टू वन
देन यू विल गेट वाई टू रेस टू टू वाई वन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू रेस टू वन. ओके ये सारे आपके पास है ही, वाई वन एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन. आपको बस ये चाहिए एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू रेस टू वन. ओके तो उसमें एक्स टू आपके पास है, वाई टू आपको यहाँ से कॉपी करना होगा फ्रॉम दी लास्ट स्लाइड है ना, एंड जस्ट रिपीट इट, यू विल गेट द अनदर वैल्यू एज 2.4924. रिपीट वन मोर टाइम, सॉरी quickly go through it, repeat one more time, you will get now 2.4924. तो आप देखोगे ना y2 raise to 2 and y2 raise to 3, last के दो values same आ रहे हैं, so we have to stop our iteration here, okay, and that become your final answer. तो वो मैंने statement शायद miss हो गया. So since y2 and y3, so y2 raise to 2 and y3 raise to 2, sorry, y2 raise to 3, so these two values are, last two values are same, so the final value of y2, so the final value of y2 from modified Euler method is 2.4924. ठीक है, और यही भी आपको आपका कैलकुलेशन स्टॉप करना है. ओके आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, इससे अभी का जो एक क्वेश्चन था ना वो क्लियर हो जाएगा. इस क्वेश्चन में शायद यहाँ पे भी दिया है कि नहीं, एक्स नॉट के लिए दिया है. सो चलो जनरली क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन था ना वहाँ पे एक्स वन वाई वन गिवन होगा. आप जो बोल रहे थे नहीं, यहाँ पे x1 y1 गिवन होगा, h गिवन होगा, एंड आप उस केस में डायरेक्टली जंप कर सकते हो. इफ इट इज नॉट गिवन, माय क्वेश्चन इज व्हाट, इफ इट इज नॉट गिवन देन ओनली यू हैव टू गो, यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द ऑयलर्स मेथड. ठीक है, सो इन दिस केस आपको पॉइंट वन के लिए कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं कि ये कौन से केस में मिलता है, ये एक्चुअली x1 है कि x2 है कि x3 है, ये आपको पहले चेक करना होगा. सो x0 इज 0, y0 इज 1, एंड xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh. सो इफ आई पुट n इक्वल टू 1, you will get x1 is equal to x0 plus 1 into h, that is your x1 is equal to 0.1. okay, to x1 pe hi ye value aapko mil rahi hai. to ye jo question kya tha ki find y at 0.1, matlab aapko calculate karna hai y at x1. so question is what, calculate y at x1, or roughly I can say aapko bas yahan pe y1 ka calculation karna hai. theek hai, so here you have to just find y1 using modified Euler method. या आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आपने ये देखा कि 0.1 एक्चुअली कौन सी वैल्यू है, 0.1 एक्चुअली x1 की वैल्यू है, मतलब आपको y1 तक ही कैलकुलेशन करना है. ठीक है, तो y1 का कैलकुलेशन आपको मॉडिफाइड से करना है, तो उसके लिए पहले आप y1 ऑयलर से कैलकुलेट करो. ओके ऑयलर का ये फॉर्मूला था, उसमें n इक्वल टू 1 पुट करो, सॉरी n इक्वल टू 0 पुट करो, यू विल गेट y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इनटू f ऑफ x0 y0, f ऑफ x0 y0 आपको समझ में आ जाएगा, y0 आपको समझ में आ जाएगा. so that value is 1.1, but this is you will get it from Euler's formula, है ना. so y1 is equal to 1.1 and we have to denote just for notation purpose, I consider this value as y1 is to 0. तो एक value आपको मिल गई. don't focus this steps, you can skip this directly. now by the modified Euler formula, okay, आपका formula यह था y1 is to n plus 1 yn plus h by 2 f f of x0 y0 plus f a bracket x1 comma y1 raise to n. ओके अभी आपको y1 के iteration start करने, so put n equal to 0, तो यहाँ पे मिलेगा आपको y1 raise to 1 y0 plus h plus this, इसमें y0 आपको पता है question में given है, f of x0 y0 आपके अपने last slide में calculate किया, आप यहाँ पे भी देखो f of x0 comma y0 की value 1 है, और आपको बस ये calculate करना है f of x1 comma y1 raise to 0. तो इसका answer क्या था, 1 plus xy, f की value क्या है, 1 plus xy. तो यहाँ पे x1 आपको पता है, x1 एक्चुअली क्या है, 0.1 है ना. y1 रेस टू 0 आपको ऑयलर से कॉपी करना है, विच इज 1.1, तो आपका आंसर आएगा 1.11 है ना. सो इसमें पुट करो f की वैल्यू इसमें, देन यू विल गेट द y1 एज 1.1051. पुट n इक्वल टू 2 एंड फाइंड द अनदर इटरेशन, सॉरी n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 एंड फाइंड द अनदर इटरेशन, सो यू विल गेट y1 रेस टू 2. इसमें भी ये सारे वैल्यूज आपके पास हमेशा रहते हैं, आपको बस ये थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें जो y1 था y1 इज टू 1 आपको यहाँ से कॉपी करना है, एंड देन यूर एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन बिकम 1 प्लस एक्स इन टू वाई, वेर दिस एक्स वन यू विल गेट इट फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड एंड वाई वन फ्रॉम दिस स्लाइड. सो यूर फाइनल आंसर इज 1.1105, एंड इफ आई पुट इट दिस फॉर्मूला यू विल गेट द वाई टू एज वाई वन इज टू 2 एज 1.1055. नाउ यू कैन सी हियर वाई वन इज टू 1, ओके, and y1 raise to 2. Okay, last two values are same or equal. So I can fix now. Okay, so fix this value of y1 using this modified Euler method, and so your final answer is 1.1055. So आपने जो y1 calculate किया, इसका मतलब क्या, आपने y at 0.1 calculate किया. ठीक है, हाँ. So I think. So is there any doubt?
ऑन दिस पार्ट, आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑल्सो, बट इज देर एनी डाउट? तो इसमें सिंपली आपको क्या समझ में आ रहा है, आप वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर एंड सो ऑन, या आप पहले ऑयलर से कैलकुलेट करते हो, मॉडिफाइड ऑयलर में वही वाई वन आपको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है, वी कॉल इट एज मोर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वही वाई टू आपको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है, वही वाई थ्री आपको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है, ओनली थिंग इज वॉट इनिशियल जो वैल्यू है वाई वन की, वाई टू की, वाई थ्री की, इन सब की जो इनिशियल वैल्यू है दैट यू हैव टू कंसिडर फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. ओके, दैट इज ऑल अबाउट दिस सेकंड मेथड. हाँ बोलो. सो इन दैट क्वेश्चन नंबर टू, यस सो इन क्वेश्चन नंबर टू आपको यह पॉइंट वन वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यह तो क्लियर है कि पॉइंट वन एक्चुअली एक्स वन की वैल्यू है, तो मतलब आपको वाई वन का ही कैलकुलेशन करना है. तो वाई वन पहले आपको ऑयलर फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद मॉडिफाइड आ जाएगा. तो ऑयलर फॉर्मूला क्या है, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच इन टू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई वन, इसमें एन इक्वल टू आप जीरो पुट करो तो आपका आपके पास वाई वन की वैल्यू आ जाएगी वाई नॉट प्लस एच इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. ये वाई नॉट क्वेश्चन में ये बनता है ना, वाई नॉट इज वॉट वन, क्वेश्चन में देखो वाई नॉट इज वन एक्स नॉट इज जीरो, सो वाई नॉट वहाँ से मिल जाएगा. यच आपको क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या होता है आपका, ये जो आपका राइट साइड में फंक्शन है वन प्लस एक्स वाई, जो एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है वन प्लस एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स नॉट वाई नॉट, बट एक्स नॉट इज जीरो एंड वाई नॉट इज वन, सो योर आंसर इज वन ओनली. सो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट आपका वन आ जाएगा, तो इसमें बस पुट करो यू विल गेट वाई वन एज वन पॉइंट वन. तो ये जो y1 या जो ऑयलर्स फॉर्मूले की जो फर्स्ट वैल्यू है वही वैल्यू एक्चुअली आपको क्या लेनी है y1 रेस टू जीरो, बिकॉज अगर आपको मॉडिफाइड ऑयलर से स्टार्ट करना है ना तो आपको y1 रेस टू जीरो पहले चाहिए, फर्स्ट वैल्यू चाहिए. अगर आपको y2 मॉडिफाइड ऑयलर मेथड से स्टार्ट करना है तो आपको y2 रेस टू जीरो इनिशियली चाहिए. अगर आपको y3 मॉडिफाइड से स्टॉल करना है तो आपको y3 रेस टू जीरो पहले चाहिए. तो ये पावर रेस टू जीरो ये सारे नंबर्स आप कैलकुलेट करते हो फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. और कुछ डाउट्स है इसमें, डाउट इज क्लियर?